हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नाभिकीय क्षय के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर डीके के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल प्रकृति में ऐसे होते हैं, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली डीके होते रहते हैं, उनका क्षय होता रहता है। डीके क्षय होने का मतलब है उनसे अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं और उनका मास कम होता रहता है, कम होता रहता है, वो डीके होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मटेरियल्स होते हैं। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर डीके। ये वैसे वही कंसेप्ट है जो आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, न्यूक्लियर डीके, नाभिकीय क्षय, न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियर डीके नाभिकीय क्षय बोलते हैं। नाभिकीय क्षय का मतलब क्या है कि डीके होता रहता है धीरे 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 धीरे, उसके एटम जो, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, मान लो 1 किलो आपने लिया है, वो धीरे धीरे डीके होता है, होता धीरे धीरे कम होता रहता है। यही है न्यूक्लियर डीके का मतलब। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका इसके लिए एक नियम दिया गया, उसको बोलते हैं रदरफोर्ड का, और सोडी ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम दिया, रदरफोर्ड एंड सोडी ने नियम दिया इसका, एक वो आपने जो बचपन में पढ़ा, रदरफोर्ड एंड सोडी ने क्या बताया इन्होंने, इन्होंने ये बताया कि किसी भी टाइम पर अगर आपको डीके रेट चेक करनी है, डीके रेट मतलब क्षय की दर, कि कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड डीके हो रहे हैं, तो डीके की जो दर है, मतलब ये है dN by dt, ये है डीके की रेट, रेट ऑफ डीके मतलब क्षय की दर है, ये क्षय दर बोल सकते हो आप इसको, क्षय की दर। तो डीके जो रेट है dN by dt किसी भी टाइम पर, ये होती है उस टाइम पर जितने अवेलेबल न्यूक्लियाई है, उस टाइम पर जितने नाभिक उपस्थित है उनके समानुपाती होती है। और क्योंकि नाभिक कम हो रहे हैं तो रेट नेगेटिव होगी, ये बता रहा है कि कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको नेगेटिव लिख सकता हूं मैं। तो देखो डी एन बाई डी टी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं जिसको लेमडा लिखते हैं, ठीक है, इसको डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं, छः नियतांक। तो देखो डी एन बाई डी टी जो है आपके पास आ गया लेमडा माइनस लेमडा, ये बचपन में पढ़ा होगा, ये बहुत बार केमिस्ट्री में भी कहीं पर देखा होगा इस चीज़ को, ये मतलब छोटी सी एक कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेमडा इंटू डी टी। अगर जैसे मान लो मुझे करना हो, स्टार्टिंग में एन नॉट नाभिक थे, एन नॉट न्यूक्लियस थे, वो किसी टाइम मतलब टी इक्वल टू जीरो पे कितना था एन नॉट, और टी टाइम पर आपको देखना हो तो मान लो एन हो गए, तो इंटीग्रेशन करूँ तो ऐसा हो गया एल एन, एन नॉट से एन, और ये हो गया माइनस लेमडा इंटू टी माइनस जीरो, तो ये हो गया एल एन एन बाई एन नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अगर बहुत साइड में एल एन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, ये बन गया, ठीक है ना, इधर एन बाई एन नॉट बच जाएगा जो कि एन नॉट उधर चला जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। ये एन नॉट तो क्या प्रारंभ में मतलब इनिशियली कितने एटम न्यूक्लियाई थे, ये एन किसी टी टाइम पर, और लेमडा क्या डी के कॉन्स्टेंट है, छः नियतांक। इसमें एक और चीज़ एक और चीज़ होती है, छः अंक बोलते हैं इसको, छः अंक। जैसे ऐसे होता है, मान लो कि टी इक्वल टू में रख दूँ कितना, 1 बाई लेमडा, टी इक्वल टू कितना रखूँ, 1 बाई लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू 1 बाई लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, क्या होगा एन नॉट ई टू पावर माइनस 1, ये एन नॉट बाई ई हो गया क्या। तो इतने टाइम में, मतलब 1 बाई लेमडा टाइम में नाभिक कितने बच जाएंगे, प्रारंभिक नाभिकों का 1/e, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 अंक। मतलब जितने टाइम पीरियड में आपका एन नो एन क्या है, एन नोट का 1/e टाइम्स हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग 6 अंक, ठीक है।
इसका आप अगर ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ भी ऐसे बना सकते हो, टी और एन का इस तरीके से होता है। जैसे मान लो यहाँ पर है, उस जगह पर मान लो एन नोट बाई ई हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में एन नोट होता है, तो इस टाइम पीरियड को, इतने टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो भी है 1/λ है, ठीक है। एक और देख लो, हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आवर्तकाल बोलते हैं इसको, अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इसको जैसे मैं टॉ से लिख दूँ, टॉ हाफ, जितने टाइम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है प्रारंभिक नाभिकों का कितना हो जाता है, आधा रह जाता है। जैसे फॉर्मूला होता है n=n0e^(λT), मान लो n जो है कितना हो गया, स्टार्टिंग वाले का आधा हो गया, तो कितना टाइम लगेगा उसमें, जितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे हम लोग हाफ लाइफ टाइम। तो इसका वैल्यू ये रखो, तो देखो क्या होगा, n0/2 = n0e^(λT). एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 = e^(λT). उसको उल्टा कर दो तो 2 = e^, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ln ले लो तो ln2 = λT, इधर ln में 2 आ जाएगा, इधर ln से e हट जाएगा, तो ये जो t आया वो क्या हो गया, ln2/λ। ये ln2 जो होता है कितना होता है, 0.692 या 3 होता है शायद, ये होता है, ये हो गया, ये t जो आया वो कितना आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया, ये अर्ध आवर्तकाल है। ये हो गया कैलकुलेशन, ये डीके का कंसेप्ट इतना ही है। अब थोड़ा सा पोर्शन और बचा है हम लोग, जिसमें अल्फा बीटा गामा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ सिलेबस है इस यूनिट का वो कवर हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।